मेरा चूना लग गया है यार। मेरा जो स्नॉर्कलिंग जो मास्क होता है ना, वो शायद कहीं घूम गया है मेरा, पता नहीं। आज 14 दिसंबर है, आज सफ़र का मेरा लास्ट दूसरा दिन है। कल मैं आज का ये आखिरी सफ़र कुछ बेहतरीन ढंग से मनाने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, मैंने एक फिफी आइलैंड टूर बुक किया है आज के लिए। ये मेरा हॉस्टल है, बॉक्स हॉस्टल फुकेट में। इस वक्त मैं हूँ फुकेट में। आज मैं फिफी आइलैंड टूर जो जाने वाला हूँ, उसमें कुछ बीचेस, फेमस बीचेस है, कुछ आइलैंड है, मतलब एक आइलैंड में ही जा रहा हूँ मैं। 1700 बात मैंने इसके लिए पे किया है। आज मैंने हॉस्टल से बुक कर लिया है, वो चीप, मुझे सबसे आई थिंक चीप यही लगा। अब वाकई में देखते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। कुछ 3 या 4 बीचेस है, अब वाकई में देखता हूँ वहाँ जाके मुझे क्या एक्सपीरियंस होता है। और लंच इसमें इंक्लूडिंग है। छोटा सा मेरा बैग है, मैंने इसमें अपने टॉवल ले लिया, अपना टी शर्ट ले लिया, स्विमिंग के लिए कॉस्ट्यूम ले लिया मैं, हर चीज़ें इसमें मेरे हैं। मैंने एक पानी बोतल भी ले लिया, एक आध बिस्कुट ले लिया, स्नीकर्स वगैरह ले लिया ताकि भूख लगे तो कुछ खा लूँ। अभी देखते हैं बस आने का है। अभी हो रहा है 7:15, मैं तैयार हो गया हूँ। यहाँ पे जो मिनी बस आती है मुझे यहाँ से पिकअप करेगी हॉस्टल से ही। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे आपको वहीं से वो पिकअप करने आएंगे, और शाम को आई थिंक वो आपको ड्रॉप भी कर देंगे यही सेम जगह पर। करेक्ट टाइम यू रिच, करेक्ट टाइम 7:20। Yeah. Your name? Huh? Keith. And you? Yeah, my name. And Ali. You came to me? Yeah. Again? Thank you. Thank you. मेरी मिनी बस आ गई है, तो सही टाइम पे आ गया, एकदम करेक्ट टाइम में। और ये है जेम, तो आज मुझे लेके जाएंगे। Can I sit right there? That's okay. Yeah. बैठ गया मिनी बस में, करीब 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल ड्राइवर को लेके टोटल 15 सीट है। देखते हैं कैसे रहता है सफ़र। अभी फिलहाल मैं ही आया हूँ, शायद मुझे ही पहला पिकअप किया है, और आगे देखता हूँ और भी कुछ लोग आई थिंक पिकअप करेंगे। दे दिया है, आई थिंक लाइफ जैकेट मुझे वहीं पे मिलेगा। मैंने बहुत गलती कर दिया, शूज नहीं लाए मैंने, पायलोग स्लीपर लाए, मुझे अब शूज उतार के कंधे पे करके जाना पड़ेगा, वो है मेरे को। और ये हम लोग सब मिल गए हैं भाई लोग, ये भी मुंबई से इंडिया से हैं, और भी कुछ लोग हैं, देखते हैं अभी कैसा रहता है सफर। मेरा वाला
everyone, can you hear me? Yes. Yeah, inside, outside. Okay, now, right now, you are in the boat under Wari number 3. This boat name under Wari number 3. After this, when I calling you, I call you under 3. If you hear me call you anywhere, that means finish time. Come back to my boat, please. If you don't come back, no problem. See you tomorrow. I love you. I don't want to say bye-bye. Later. No late, please. Okay, don't angry me. I need to later. For me, my name Jenny. My name Jenny. I'm your tour guide. Any problem, you can talking with me. You want drink, Jenny? I have water to serve you. Somebody, Jenny. I want the mask. Chain, okay. But if you don't bring, you want it, I don't have. I have for shake now, spare my spare for shake because I don't have a lot. Somebody tell me, my breakfast come out. Plastic bag free. Don't show me on the floor, on the cloud. I don't want to see your breakfast. And I'm sure nobody wants to see your breakfast. Someone tell me, I want money. No. Also no money, but if you wanna give money, you call Jenny. No problem. On the boat, I have staff. Only me cannot do alone. Cannot die. Cannot do many things. Cannot. I have staff. First, my lady, Miss Anne. Her name Anne. She will take care of you today. If you call me, I don't hear, or I do something, you won't help. Calling her care. Someone. $1,500 baht per person. Scuba diving के लिए अलग से कुछ chargeable है
वो आपको यहाँ पे आके पे करनी है। वहाँ के लिए अगर आपको स्विमिंग आती है बेसिकली तो ही आप जाए, अदरवाइज आप ना जाए। बेसिकली ये लाइफ जैकेट कोई काम का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे व्यू देखिए और कुछ नहीं। सोचा था कि यहाँ पे स्विमिंग करूँ थोड़ा सा, लाइफ जैकेट रहेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट व्यू काफ़ी शानदार है। और अभी लंच का वक्त आ गया, शानदार से बहुत बढ़िया सा बीच है इस तरफ। अभी लंच के लिए बोले हैं, देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। चिकन लिया है, राइस लिया है और सलाद लिया है। अगर आप खासकर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ आप पहले से इन्फॉर्म कर देंगे तो आपके लिए अलग से वो रूट बताएंगे आपको कहाँ जाना है वेजिटेरियन। That face coming. So finally, नहाने का भी पूरा हो गया, नहा लिया हूँ थोड़ा सही से, थोड़ा बहुत स्विमिंग कर लिया हूँ। लेट हो गया, फिर मुझे पहले जाना चाहिए था। अंडर थ्री बुला रहा है, टाइम हो गया हम लोगों को जाने का। अभी पता नहीं अगला कहाँ लेके जाएंगे, मज़ा आ गया। Good swimmer.
देख रहा हूँ तो जाके नहीं मिल रहा है। जब मैं उतरा था ना तब मुझे उसको देखना चाहिए था, फिर उसको लेके उतरना था। अब देखता हूँ बोट में जाकर, शायद अगर किसी ने गलती से उठा लिया होगा तो आई थिंक मिल जाएगा। पता नहीं यार, काफ़ी सारा बोट में तो दिखा मुझे मास्क, अब जाके देखता हूँ बाकी में है कि नहीं। वापस अभी जा रहे हैं, टाइम पता नहीं कितना हुआ, आई थिंक 4:30 के ऊपर हो गया होगा। कौन सा वोट है हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक हाँ ये वाली वोट है। जो होना था वही हुआ, क्या करे। स्नॉर्कलिंग मास्क आई थिंक मैं जब जंपिंग किया था आई थिंक, फिर पता नहीं मैं बोट में लाए कि नहीं लाया उसको, मैं भूल गया हूँ। 1500 बाद लगभग इंडियन रुपीस कुछ 3100 रुपये के आसपास, 3000 के ऊपर के ऐसा कुछ होगा जो मैंने खो दिया है। और मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास बस कुछ ही पैसे बचे थे शायद, जो पूरा देने के लिए लाया गया था। आई थिंक मेरे पास 500 बचे थे, तो उन्होंने कहा 1500 से तो कम होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बॉस को देना पड़ेगा उसका जो भरपाई है। तो मैंने कहा मेरे पास 500 ही बचे हैं, तो मैं कैसे, आप ये रख लीजिए, मेरे पास और पैसे नहीं है, आप मैनेज कर सकते इतना। तो मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने 500 ले लिए, फिर उन्होंने कहा आपके पास और पैसे हैं क्यों नहीं, आप होटल चाहिए फिर आराम से दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है फिलहाल, तो मेरे होटल में भी नहीं है, जो पैसा मेरे पास ही है। तो उन्होंने कहा फिर आप वापस घर कैसे जाएंगे, आपको रास्ते में ज़रूरत तो नहीं होगा। मैंने कहा मैं कैसे भी करके चल दूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरा कल फ्लाइट है कराबी तक, मुझे कैसे भी करके पहुँच जाऊँगा। 500 रुपये रिटर्न दे दिए, 500 बाद रिटर्न दे दिए। तो उन्होंने ये कहा अगर आप कहीं फ्यूचर में अगर फुकेट आएंगे तो आप उसको, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए फेसबुक में, फिर आप मुझे आके कभी भी अगर फ्यूचर में आएंगे तो फुकेट में ज़रूर आप उस टाइम आप दे दीजिएगा। आप अभी आपकी तरफ से मैं यहाँ इनको पे कर दे रहा हूँ, पता नहीं वो कितना पेरेंगे, बट सीरियसली उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। तो जैनी नाम है उनका, मैं उस टाइम वीडियोस नहीं बना पाया, थोड़ा सा मूड ऑफ था, बट खैर क्या करे। बाकी में थाईलैंड के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत जाते जाते एक ऐसा एहसान मेरे पे किया है, मतलब क्या बोलूँ, बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे उसका दाम 500 भी क्यों ना हो, बट उन्होंने मुझे लीव कर दिया, कहा कभी अगर फ्यूचर में आओगे तो आप दे देना। मैं श्योर मैं भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा थाईलैंड तो ज़रूर मैं उनको पैसा दूँगा, ज़रूर डेफिनेटली। तो आज का दिन तो ऐसे कुछ था यार, मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप स्नॉर्कलिंग मास्क अगर लेंगे बेसिकली, अगर फिर आप नहीं लेंगे तो वही भी बता दीजिएगा, जब आप काउंटर में जब आपको देंगे स्नॉर्कलिंग मास्क तो आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा, क्या फिर मुझे चाहिए नहीं, या फिर आप चाहिए तो आप उसको केयरफुली रखिएगा। तो मेरे होटल जाने का वक्त आ गया, हॉस्टल